हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, कर्नाटका के फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कर्नाटका का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। कर्नाटका की वेबसाइट है kea.kar.nic.in, इस पे जाके आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कर्नाटका ने दोबारा से अपने फॉर्म के विंडो ओपन करे हैं। ओपन स्टेट है एक कर्नाटका, जिसके अंदर दूसरे स्टेट के बच्चे भी प्राइवेट सीट के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है। 11 लाख के अराउंड इसका बजट रहता है पर ईयर, और हॉस्टल वगैरह मिला के 12 लाख पर ईयर के आसपास आपका बजट बैठता है, जो कि टोटल 55 लाख के बजट में कंप्लीट हो जाती है आपकी MBBS। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ओपन स्टेट्स में, जो दूसरे स्टेट्स होते हैं। बाकी गवर्नमेंट सीट के लिए तो आप खुद के स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में आप सिर्फ प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके स्टेट क्वाटा के थ्रू। ऑल इंडिया क्वाटा के थ्रू तो आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी 15% की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कर्नाटका का नोटिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि कर्नाटका के नोटिफिकेशन में उन्होंने विंडो खोली है 7 से लेकर 9 तक। 7 तारीख को 11 बजे विंडो ओपन होगी और 9 तारीख को 11:59 पर विंडो क्लोज हो जाएगी, जिसके ड्यूरेशन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो SC ST OBC जो रिजर्वेशन वगैरह की चीज़ें हैं, वो कर्नाटका के कैंडिडेट को ही मिलती है। आप दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो ओपन सीट के थ्रू जा सकते हैं आप। आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, आपको कोई कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। कोई ST का बच्चा राजस्थान का है, वो कर्नाटका में एडमिशन कराना चाहता है, तो उसको जनरल में ही माना जाएगा प्राइवेट सीट के लिए। तो इंस्ट्रक्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसमें कुछ खास इंस्ट्रक्शन है नहीं, इसमें इतना सा लिखा हुआ है कि आपको जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर देना है, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली जाके नहीं करवाना है, ऑनलाइन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 10th 12th की आपको डिटेल वगैरह सारी डाल देनी है फॉर्म भरते टाइम पे। और जो OCI PIO और NRI कैंडिडेट्स हैं, और जो फॉरेन नेशनल्स हैं, और फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट भी है, उनको वहाँ पे विजिट करने की ज़रूरत है एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो स्पेसिफिक डेट है ना, उन पे जाके कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेशल नोटिस भी आ चुका है, तो ये कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, वो भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। और बाकी इन्होंने लिख रखा है कि दिल्ली का एक लेटर था, उसके अनुसार क्या है, सारे के सारे स्ट्रे वैकेंसी तक के राउंड है ना ऑनलाइन मोड में ही होंगे, कोई ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, वो रजिस्टर करें ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं ऑनलाइन, और एलिजिबल हो जाएंगे, तो वो एडमिशन ले सकते हैं कर्नाटका की प्राइवेट कॉलेज में। कर्नाटका की सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं स्टेट क्वाटा के थ्रू, कर्नाटका के स्टेट क्वाटा के थ्रू। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के अंदर। तो देखो, ऑल इंडिया क्वाटा होता है एक 15%, गवर्नमेंट के लिए देखो दो चीज़ें होती हैं, ऑल इंडिया क्वाटा 15%, मतलब पूरे इंडिया की जितनी भी मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, उनका 15% में आप भाग ले सकते हो। ये AIQ होता है, जिसकी काउंसलिंग MCC करवाती है। और बचा हुआ 85% है, वो खुद के स्टेट के बच्चों को ही मिलता है सिर्फ 85%, यानी कि बच गया 85% वो ओनली स्टेट के बच्चों को मिलता है, जिनकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है। यानी कि SMS है, उसकी 15% सीट तो ऑल इंडिया में चली गई एग्जाम्पल के लिए, और 85% है वो स्टेट, मतलब राजस्थान की RUHAC उसकी काउंसलिंग कराएगी। दूसरे स्टेट का बच्चा है ना, वो सिर्फ 15% के लिए भागीदार है सरकारी सीटों के लिए, इन 85 पे उसका कोई हक नहीं है। अगर मान लो दूसरा स्टेट का बच्चा है, उसके मार्क्स लो है, और वो दूसरे स्टेट में काउंसलिंग कराना चाहता है, तो वो सिर्फ प्राइवेट के लिए करवा सकता है, और वो भी ओपन स्टेट्स में ही करवा सकता है। ओपन स्टेट्स मतलब जो दूसरे स्टेट के बच्चों को आने देते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, UP, राजस्थान और MP सेकेंड या थर्ड राउंड से चालू होते हैं, ओपन होते हैं बाद में, तो ऐसे वो करवा सकते हैं प्राइवेट सीट के लिए। वो उनके लिए उनको स्टेट कोटा में अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि कर्नाटका का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर प्राइवेट के लिए, केरला का, यूपी का, छत्तीसगढ़ का, जिसमें भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उनका आपको पर्टिकुलर कराना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पेड काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।